बहुत ध्यान से सुनो, हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करते हैं, तो नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोगों ने देखा था क्या सबसे पहली चीज जो पिछले कुछ सालों से बहुत आ रही है वो कौन सी आ रही है? नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म, या फिर व्हाट लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसा क्वेश्चन आएगा, या फिर क्वेश्चन आएगा क्या कि हाउ डिड बाल्कन बिकेम द रीजन द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फिर नेशनलिज्म स्टेन्ड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू अ डिजास्टर। ये क्वेश्चन कुछ भी आए, आंसर सबका क्या लिखना है? एक ही लिखना है। तो आंसर क्या बोल रहा है कि नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में कब कन्वर्ट हुआ? लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। कब कन्वर्ट हुआ? लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। कहाँ हुआ? बाल्कन रीजन में 1871 में। कहाँ हुआ? बाल्कन रीजन में 1871। ठीक है, फिर से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, तो इसकी कहानी कब स्टार्ट हुई? लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। वन टू, कब? बाल्कन रीजन 1871। बाल्कन रीजन में कौन कौन थे? कोई भी तीन रीजन याद कर लेना, रोमानिया, अल्बानिया, बल्गेरिया, ग्रीस। ठीक है, कोई भी तीन याद करना, मोर देन इनफ है। चौथा, दो रीजन थे जिस वजह से ये रीजन बहुत एक्सप्लोसिव हो गया था। दो रीजन थे जिसकी वजह से ये रीजन बहुत एक्सप्लोसिव हो गया था। पहला, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमान एम्पायर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमान एम्पायर, और दूसरा, आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। ठीक है, यूरोप सब्जेक्ट नेशनैलिटीज, यूरोप सब्जेक्ट नेशनलिटीज ने क्या किया था? अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दी थी। यूरोप सब्जेक्ट नेशनैलिटीज, यूरोप सब्जेक्ट नेशनैलिटी का मतलब होता है वो छोटे मोटे देश जिन पे यूरोपियन पावर्स राज करते थे, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और इनको चाहिए थी कि हमारे इतने सालों जो लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस थी वो इनको क्या चाहिए थी? वापस चाहिए थी। लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंट, ये क्या करना चाहते थे? गेन बैक करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? गेन बैक करना चाहते थे। आई बात समझ में? बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। तो ये एक दूसरे से बहुत जलते थे और दूसरे की टेरिटरी अपने अंदर करना चाहते थे। ठीक है, इसके अलावा जो यूरोपियन पावर्स थे, इसके अलावा जो यूरोपियन पावर्स थे, उन लोग में भी इंटेंस राइवलरी थी चार चीजों के लिए। उनमें भी इंटेंस राइवलरी थी चार चीजों के लिए। कौन सा? ट्रेड, कॉलोनीज, नेवल माइट, मिलिट्री माइट। ट्रेड, कॉलोनीज, नेवल माइट, मिलिट्री माइट। आई बात समझ में? और इसलिए ये लोग भी इन लोगों के साथ, बाल्कन के साथ लड़ने लग गए। आ रही है बात समझ में? इन सारे इवेंट्स की वजह से अल्टीमेटली क्या ट्रिगर हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब? 1914 में। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो वन मार्कर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, विजुअलाइजिंग द नेशन पे एमसीक्यूज बनेंगे, और अगर पूरा आंसर ही बनता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की चीज नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने अलग अलग नेशन को क्या करा था? किसी ना किसी फीमेल एलिगरी से रिप्रेजेंट किया था। हम लोगों ने अलग अलग नेशन को किसी ना किसी फीमेल एलिगरी से क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था। एग्जाम्पल, फ्रांस को किससे रिप्रेजेंट किया था? मैरियान से। जर्मनी को किससे किया था? जर्मेनिया से। फ्रांस की जो मैरियान थी वो कौन से आइडियाज बताती थी? लिबर्टी और रिपब्लिक के। आई बात समझ में? इसके अलावा दूसरी चीजें क्या थी बेटा? ब्रोकन चेन्स, लिबर्टी बता रही थी। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, स्ट्रेंथ बता रहा था। क्राउन ऑफ ओकलीव्स, हीरोइज्म बता रहा था। स्वॉर्ड क्या बता रहा था? रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांच क्या बता रहा था? विलिंगनेस टू मेक पीस। और रेज ऑफ द राइजिंग सन क्या बता रहा था? बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राइकलर, ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राइकलर किसका था? लिबरल नेशनलिस्ट का फ्लैग था। किसका फ्लैग था? लिबरल नेशनलिस्ट का। इज दैट क्लियर? सुनो, ब्रिटिश एक नेशन स्टेट नहीं था प्रायर टू 18th सेंचुरी। यहाँ पर तीन तरह के लोग रहते थे। कौन? इंग्लिश, वेल्श और स्कॉट। कौन तीन तरह के लोग रहते थे? इंग्लिश, वेल्श और स्कॉट। आई बात समझ में? तो ब्रिटेन नेशन स्टेट नहीं था कब तक? 18th सेंचुरी तक। तीन तरह के एथनिक लोग रहते थे यहाँ पर। कौन कौन से? इंग्लिश, वेल्श। आई बात समझ में? इन सब में स्टेडी ग्रोथ ऑफ पावर की वजह से इंग्लिश क्या हो गए? डोमिनेंट हो गए। स्टेडी ग्रोथ ऑफ पावर की वजह से इंग्लिश क्या हो गए? डोमिनेंट हो गए। 1688 में, 1688 में, 1688 में इंग्लैंड ने खुद को नेशन स्टेट एस्टैब्लिश कर दिया।
1688 में इंग्लैंड ने खुद को एक नेशन स्टेट एस्टेब्लिश कर लिया, मोनार्की से पावर अपने हाथ में ले लिया, सीज कर लिया, छीन लिया, किससे पावर, किससे, मोनार्की से, कब, 1688 में, ठीक है। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, 1688 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, कैसे बना, एक्ट ऑफ यूनियन से, कैसे बना, एक्ट ऑफ यूनियन से, किसके बीच में साइन हुआ एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, किसके बीच में साइन हुआ एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, ठीक है। अब इंग्लैंड स्कॉटलैंड और आयरलैंड से दोनों से डोमिनेंट था, ठीक है, इसलिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें मेंबर्स भी किसके ज्यादा थे, इंग्लिश के ज्यादा थे। 1807 में 1801 में 1801 में इंग्लैंड ने क्या करा, आयरलैंड को फोर्सिबली अपने अंदर मिला लिया, इंग्लैंड ने फोर्सिबली आयरलैंड को अपने अंदर मर्ज कर लिया आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्यूशन, आफ्टर अ failed revolution by Wolfie and his Irishmen. After a failed revolution by Wolfie and his Irishmen. 1688 उन्होंने खुद को एक नेशन स्टेट डिक्लेयर करा मोनार्की से पावर सीज करके। 1707 यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, एक्ट ऑफ यूनियन किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। 1801 में इंग्लैंड आयरलैंड फोर्सिबली किसने ले लिया, इंग्लैंड ने, आफ्टर अ फेल्ड रेवोल्यूशन बाय वुल्फी एंड हिज आयरिश मेन। आई बात समझ में, एक नया ब्रिटेन नेशन बना जिसका ब्रिटिश फ्लैग क्या था, यूनियन जैक, नेशनल एंथम क्या था, गॉड सेव आवर रूलर किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज उनकी नेशनल लैंग्वेज बन गई। इज दैट क्लियर। ऑफ इटली, इटली अपने आप में क्या था, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था शुरू से, किस चीज में पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था, इट वाज डिवाइडेड इनटू सेवन स्टेट्स, इट वाज डिवाइडेड इनटू सेवन स्टेट्स। इटालियन प्रिंसली हाउस किसको रूल करता था, सर्दिनिया पीडमोंट को, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स किसको रूल करते थे, नॉर्थ को, सेंटर को कौन करता था, पोप, साउथ को कौन करता था, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है। इटली का हिस्ट्री में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, कितने स्टेट्स में, सेवन स्टेट्स में, सर्दिनिया पीडमोंट इटालियन प्रिंसली हाउस, नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर पोप, साउथ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। इटालियन लैंग्वेज की बहुत सारी डायलेक्ट्स थी, ठीक है। 1830s में ग्यूसेप्पे मज़ीनी ने एक कोहेरेन प्रोग्राम बनाया इटली को यूनाइट करने के लिए, उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, कितनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, दो, एक बनाई थी यंग इटली और एक बनाई थी यंग यूरोप, दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, कौन सी, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। आई बात समझ में, यंग इटली और यंग यूरोप की मदद से इसने दो बार क्या करी, अपराइजिंग प्लान करी, लेकिन दोनों बार उसकी अपराइजिंग फेल हुई, कब, 1831 में और 1848 में, दो बार अपराइजिंग प्लान करी, दोनों बार अपराइजिंग फेल हो गई, 1831 और 1848 में। आई बात समझ में, इसके फेलियर को देख के किंग विक्टर इमैनुअल टू, जो कहाँ का था, सर्दिनिया पीडमोंट का, उन्होंने बोला मैं यूनिफिकेशन करूंगा। इनका चीफ मिनिस्टर कौन था, काउंट केवल, इनका चीफ मिनिस्टर कौन था, काउंट केवल। 1859 सर्दिनिया पीडमोंट ने क्या करा, अलायंस करी किसके साथ, फ्रांस के साथ, और किसको हराया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, किसको हराया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, और गुइसेप्पे गैरिबाल्डी के अंडर की लीडरशिप के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, ठीक है। 1859 के बाद कब, 1860 में सर्दिनिया पीडमोंट की फोर्सेस कहाँ गई, साउथ इटली गई, साउथ इटली में किसको भगा दिया, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को, आई बात समझ में, और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज अपने अंडर कर लिया। 1859 में फ्रांस को के साथ अलायंस करी, ऑस्ट्रियन किंग्स को हटाया। 1860 में कहाँ गए, साउथ इटली में गए, जहां पर क्या करा, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और स्पेनिश रूलर्स को क्या कर दिया, ड्राइव आउट कर दिया। 1861 में किंग विक्टर इमैनुअल जो था उसको क्या करा, यूनाइटेड किंग का, यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर करा गया, और रोम को क्या डिक्लेयर किया, इसका कैपिटल। क्या ये आंसर आसान है, क्या ये याद हो गया, चलो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें तो 1848 में, हाँ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात करें तो 1848 में जितने भी मिडिल क्लास जर्मन्स थे उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग जर्मनी को क्या करते हैं, यूनाइट करते
है, हम लोग क्या करते हैं जर्मन कॉन्फेडरेशन को क्या करते हैं यूनाइट करते हैं, कैसे एज अ नेशन स्टेट, कैसे एज अ नेशन स्टेट। लेकिन प्रूशिया में इन लोगों के जितने भी नेशन बिल्डिंग एक्ट थे वो सारे क्या कर दिए, रिप्रेस कर दिए। क्या कर दिए, रिप्रेस कर दिए। किसने, मोनार्की ने और मिलिट्री ने, मोनार्की ने और मिलिट्री ने। और इनको किसका सपोर्ट मिला, इनको सपोर्ट मिला बड़े बड़े लैंड ओनर्स का, जिनको हम लोग क्या कहते हैं जंकर्स। यानी कि अगर वन मार्क में पूछते कि जंकर्स क्या होते हैं तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि जंकर्स क्या होते हैं। आई बात समझ में? तो लीडरशिप किसने ली, प्रूशिया ने ली। प्रूशिया की लीडरशिप में क्या हुआ, नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसमें लीडर कौन था, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, ओटोमान बिस्मार्क। ओटोमान बिस्मार्क को आर्किटेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग भी कहा जाता है। तो अगर तुम्हें एमसीक्यू में आता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग इन जर्मनी, तो जवाब क्या होगा, ओटोमान बिस्मार्क। और यही चीज इटली के लिए आती है, तो वैसे पे मजे की मत लिखना, काउंट डी केवर लिखना। ठीक है ना। प्रूशिया ने 7 साल में कितनी वॉर्स लड़ी, तीन। प्रूशिया ने 7 साल में कितनी वॉर्स लड़ी, तीन वॉर्स लड़ी। और किस किस को हराया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को। किसको हटाया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को। जब ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हरा दिया तो 18 जनवरी 1871 में जर्मन एम्पायर का जर्मन एम्परर किसको बनाया गया, केजर विलियम वन को। किसको बनाया गया, केजर विलियम वन को। कहाँ बनाया गया, हॉल ऑफ मिरर्स में। हॉल ऑफ मिरर्स कहाँ है, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। हॉल ऑफ मिरर्स पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। आई बात समझ में? और जर्मनी के यूनिफिकेशन के बाद प्रूशिया की डोमिनेंस पूरे यूरोप में बढ़ गई। जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद प्रूशिया की डोमिनेंस पूरे यूरोप में बढ़ गई। और इन्होंने किस चीज पे काम किया, मॉडर्नाइजिंग चार चीजें, मॉडर्नाइजिंग चार चीजें। कौन सी चार चीजें, करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स। करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स। इज दैट क्लियर? चलो, कांग्रेस ऑफ वियना कब बनी थी, 1815 में। याद रखना, जब नेपोलियन बैटल ऑफ वॉटरलू में हार गया था और निपट गया था, तो ऐसे में उसने बहुत सारी टेरिटरीज अपने अंदर क्या करके रखी थी, कॉन्कर करके रखी थी। अब इसको जिन्होंने हराया था उन सबको कुछ ना कुछ फायदे वाली चीज चाहिए थी, तो कौन कितना एरिया रखेंगे, जो पहले किसके पास था, नेपोलियन के पास। ये सारी कहानी कहाँ डिसाइड हुई, कांग्रेस ऑफ वियना। तो कांग्रेस ऑफ वियना कब आई थी, 1815 में। कब आई थी, 1815 में। क्यों आई थी, टू ड्रॉ अ न्यू सेटलमेंट फॉर यूरोप। क्या, जब नेपोलियन ओवरथ्रो हो गया था। कब, जब नेपोलियन ओवरथ्रो हो गया था, टू ड्रॉ अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। टू ड्रॉ अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। पहला क्या था, याद रखना, बर्बन डायनेस्टी किसको दे दी थी, फ्रांस को। बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। बर्बन डायनेस्टी पहले पावर से हटा दी गई थी, तो उसको पावर में क्या करा, वापस से लेकर आए। सेकंड, फ्रांस वाज डिस्पोज्ड ऑफ इट्स कॉन्कर्ड टेरिटरीज। फ्रांस को डिस्पोज ऑफ करनी पड़ी थी क्या, वो सारी टेरिटरीज जो उसने किसके अंडर कॉन्कर करी थी, नेपोलियन के अंदर। तो पहला, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। दूसरा, फ्रांस वाज डिस्पोज्ड ऑफ इट्स कॉन्कर्ड टेरिटरीज। किंगडम ऑफ नेदरलैंड, नेदरलैंड में कौन इंक्लूडेड था, बेल्जियम। कहाँ बना, नॉर्थ में। जिनोवा कहाँ बना, साउथ में, ताकि फ्रांस ना नॉर्थ में एक्सपांड कर पाए ना ही साउथ में एक्सपांड कर पाए। तो किंगडम ऑफ नेदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, कहाँ बना था, नॉर्थ में। जिनोवा कहाँ बना था, साउथ में। क्यों बना था, फ्रांस का एक्सपेंशन कंट्रोल करने के लिए। आई बात समझ में? प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज मिली थी, प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज मिली थी, इंक्लूडिंग अ पोर्शन ऑफ सेक्सनी। ऑस्ट्रिया को क्या मिला था, नॉर्दर्न इटली। रशिया को क्या मिला था, पोलैंड। ऑस्ट्रिया को क्या मिला था, नॉर्दर्न इटली। रशिया को क्या मिला था, पोलैंड। पर नेपोलियन की जो कॉन्फेडरेशन थी, नेपोलियन की जो कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, वो चेंज नहीं की गई थी। ठीक है, नॉर्थ में नॉर्थ में कौन बना था, नेदरलैंड और बेल्जियम। साउथ में जिनोआ। ठीक है, प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज इंक्लूडिंग अ पोर्शन ऑफ सेक्सनी। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली, रशिया को पोलैंड। नेपोलियन की जो कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की, उसको चेंज नहीं किया गया था। इज दैट क्लियर? कब बनी थी कांग्रेस ऑफ वियना, 1815। जब नेपोलियन किसमें हार गया था, बैटल ऑफ वॉटरलू में हार गया था,
क्यों बना था? एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लाने के लिए. इज दैट क्लियर?